गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सदस्यों ने कई तरह की चिंताएं व्यक्त की है। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी सरकार किसानों के हित की चिंता नहीं करेगी। भूपेश बघेल तो ऐसा बोलने लगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी अधिनियम में पशुपालन मछली पालन शामिल नहीं है। इसके बावजूद यदि कहीं भी इसके परीक्षण की जरूरत होगी तो परीक्षण कराऊंगा। मंत्री ने कहा कि मार्केट ओपन होना चाहिए, ये तो आप चाहते हैं ना। प्रदेश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। प्रदेश की जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। रामविचार नेताम ने आगे कहा कि ई नाम में कोई भी जुड़कर अपना सामान बेच सकता है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। शिकायत उनका है, वहां के स्थानीय माननीय विधायक हैं, उस जिले का मामला था, किन किन कारणों से कैसे एजेंसियों को बदल दिया गया और किन कारणों से व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए इसे इसका उपयोग किया गया, इन सभी बिंदुओं को लेकर के उनका आरोप था। और इस आरोप के आधार पर और उनके प्रश्न के आधार पर हमने जांच के लिए अपनी सहमति दिया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।